इटावा के भरथना में रामलीला महोत्सव में आग लगने से हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों के चलते मंच के ऊपरी हिस्से में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में यातायात पुलिस को चालान का पैसा देते वीडियो वायरल करने वाले पर हुई एफआईआर दर्ज। आरोपी ने यातायात पुलिस को 500 रुपए देते हुए वीडियो किया था ट्वीट। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गौनिया चौराहे का मामला। प्रयागराज के नैनी रेलवे स्टेशन पर युवक ने ट्रेन के इंजन की छत पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आरपीएफ और जीआरपी ने बमुश्किल युवक को इंजन से उतारा। शाहजहांपुर में अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। खोटार कस्बे की घटना। बिजनौर में रिहायशी कॉलोनी में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। सड़क पर घूम रहे गुलदार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्रामीणों और आवारा कुत्तों पर हमला कर रहा गुलदार। गुलदार से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत की है। थाना शेरकोट के नसीर दिवाला गांव का है मामला। अमेठी में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ परिजनों की हाथापाई। पुलिस की पकड़कर आरोपी पकड़ से अब आरोपी मौके से फरार हो चुका है। बैरंग लौटना पड़ा पुलिस को और फिर भी वारंटी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़ने का इशारा किया। फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आगे का रास्ता उन पर छोड़ने जा रहा हूं जिन पर कांग्रेस की जिम्मेदारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। राज दबाने के लिए अंकिता को मौत के घाट उतारा गया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जांच के आधार पर यह पुष्टि हुई। अंकिता से रिजॉर्ट में अनैतिक काम कराने का बनाया जा रहा था दबाव। वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था। अंकिता के मना करने पर रची हत्या की साजिश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक आरोपी पुलकित को डर था कि अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़ने वाली है और रिजॉर्ट में हो रहे सभी अनैतिक कार्य की पोल खोल देगी, इसीलिए हत्या की गई। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से आराधना की। सीएम ने समस्त देशवासियों के जीवन में सुख शांति आरोग्य की कामना की। करीब 2 घंटे तक चली पूजा में मुख्यमंत्री ने गौरी गणेश की आराधना की। सनातन धर्म में माता महागौरी अत्यंत शुभता उल्लास ऊर्जा की अधिशास्त्री होती है। इनके इस रूप की पूजा प्रतिष्ठा रखी जाती है। शामली में जेल में बंद कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन से मिला सपा का डेलीगेशन। सपा नेताओं ने जेल में नाहिद हसन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कहा, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। सुल्तानपुर में शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाना सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान को पड़ा है महंगा। पुलिस ने इसौली विधायक ताहिर खान समेत 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। विधायक पर पशु बाजार लगवाने के आरोप। यूपी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 3 नवंबर को उपचुनाव, 6 नवंबर को काउंटिंग। विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली है ये सीट। भाजपा विधायक केतकी सिंह ने सुभाषपा की सावधान यात्रा को लेकर कसा तंज। कहा, ओम प्रकाश राजभर अपने लोगों को सावधान कर रहे हैं कि मुझसे सावधान रहो, जहां जाएंगे पीछे से जनता उनको सावधान करती चलेगी। मुजफ्फरनगर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों का हालचाल जाना, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कानपुर दौरे पर मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद ने गोरथा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की है। कानपुर हादसे में मृत लोगों के परिवारों से मिलकर शोक संवेदना जताई है। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे लखीमपुर खीरी कौड़ियाल घाट गुरुद्वारा में मत्था टेका। कानपुर में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने पालिका स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम में मल्टी स्पोर्ट इंडोर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। 22 ओलंपिक खेलों का स्टेडियम में हो सकेगा आयोजन। फतेहपुर में कानपुर घटना पर बोले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। कहा, जिस कार्य के वाहन का रजिस्ट्रेशन है उसी के लिए उपयोग में लाया जाए, ट्रॉली का उपयोग सवारियों के लिए न किया जाए। आजमगढ़ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में पकड़े गए 25,000 के इनामी। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। गाजीपुर में जवानिया कोतवाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी महिलाओं को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में महिलाओं को बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी जा रही है। अमरोहा के थाना डिडोली क्षेत्र में खेत में युवक का शव मिला। युवक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सहारनपुर में थाना सरसावा के गांव बदीपुर में दो पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसाई।
एक शख्स की मौत, गांव में पुलिस बल तैनात। कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तुर्कपट्टी इलाके के अंबा तिवारी की घटना। बागपत में छपरौली कस्बे में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया, मास्टरमाइंड अतुल जैन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, बाइक तमंचा कैश बरामद। 28 सितंबर को कपड़े की दुकान में हुई थी ये लूट, सीसीटीवी में कैद हुई लूटपाट की घटना, घटना में शामिल रहे तीन बदमाश चल रहे फरार। पीलीभीत में चेयरमैन के घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़, दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी, सभासद उसके साथियों पर चेयरमैन ने आरोप लगाया। चेयरमैन ने सभासद से वसूली को लेकर जताई थी नाराजगी, जहानाबाद इलाके का है मामला, चेयरमैन की तहरीर पर आसपास की सीसीटीवी खंगाली है घटना। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे कुर्क किया, संपत्ति की कुल कीमत 2,65,00,000 बताई जा रही। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए हिंसाकांड के एक वर्ष के पूरे होने पर भाकियों ने बरसी के रूप में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए किसान, मृतक किसानों के लिए मुआवजे की उठाई मांग। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, सीएससी में तैनात संविदा कर्मी के निजी अस्पताल को प्रशासन ने सील किया है, आरोपी डॉक्टर दंपति चला रहे हैं। कानपुर में हादसे के बाद प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली पर श्रद्धालुओं को ढोने पर प्रतिबंध लगा है, इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। रायबरेली में प्रशासन ने दुर्गा पंडालों की जांच की है, पंडालों में आ रखे ट्रैक्टर ट्रॉली पर शिकंजा कसा जा रहा है। कानपुर भदोही की घटना के बाद पुलिस का चेकिंग अभियान, पंडालों की सुरक्षा का जायजा लिया गया। कानपुर हादसे का लोग नहीं ले रहे इससे सबक, श्रावस्ती में श्रद्धालु से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पर राटा भरती दिखी। सिद्धार्थनगर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर कर मंदिर जा रहे श्रद्धालु, महाराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु। महराज में नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉली, यहां भी ट्रॉली में भरकर धार्मिक स्थल जा रहे श्रद्धालु। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर मुख्यालय जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका, कुएं के विवाद की शिकायत के लिए मुख्यालय जा रहे थे ये सभी लोग। नेशनल हाईवे पर जमीन पर शव जैसा पुतला रखकर यातायात का दिया है संदेश, हादसों से बचाव की अनोखी पहल, NHAI ने सरकार के आदेश के बाद शुरू की है अनोखी पहल। बांदा में भी ट्रैक्टर के अलावा दूसरे प्राइवेट वाहनों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं श्रद्धालु, जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर। बाराबंकी में भी देखी गई लापरवाही, ट्रैक्टर ट्रॉली में भारी संख्या में भरकर लोग सवार थे। चार गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी, छात्रों ने पैरामेडिकल स्टाफ को खून से लिखा पत्र। गाजीपुर में मां कामाख्या मंदिर में भक्तों की लगी कतार, मां कामाख्या यहां के सिकरवार वंश की कुल देवी है। हरिद्वार जिला कारोबार में अनोखी रामलीला, यहां सभी किरदार जेल में बंद कैदी निभा रहे हैं, न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम कैदी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर में भव्य रामलीला का आयोजन, सपा विधायक जयकिशन साहू निभा रहे हैं राजा दशरथ का किरदार, दुल्हपुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद में हो रही है रामलीला। सिद्धार्थनगर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की जमकर धुनाई हुई, वीडियो वायरल है, शोहरतगढ़ तहसील के महली गांव का बताया जा रहा है वीडियो। सीतापुर के जवाहरपुर शुगर मिल में हुआ बड़ा हादसा, एथेनॉल के लिए बनाए जा रहे टैंक में हुआ ब्लास्ट, चार लोग घायल। श्रावस्ती में तालाब में डूबने से दो नाबालिगों की मौत, बकरी चराने के दौरान तालाब में नहाने पहुंच गए थे दोनों, थाना सिरसिया के भतुहिरिया डोमई गांव का मामला। सहारनपुर में श्रद्धालु से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार में टक्कर मार दी, हादसे में दो श्रद्धालु और कार सवार चार लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा, मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु। ललितपुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पांच लोगों को रौंद दिया, दो लोगों की इलाज के दौरान झांसी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, थाना बोर के मेला ग्राउंड का मामला। सुल्तानपुर में मलिन बस्ती में पांच नए डेंगू के मरीज मिले, करौंदिया वार्ड में दो मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रही है। गाजीपुर में नवरात्र में तिन्नी चावल की अधिक हो रही है खरीदारी, व्रत रखने वाले लोगों के लिए खास होता है ये चावल, बाजार में 300 से 400 रुपए में बिक रहा। बरेली पहुंची उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने फूलों की होली खेली, बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में फूलों की होली होती है।
काशीपुर पहुंचे सीएम धामी, मां मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आरटीओ फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर ठगी करते थे, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। पिथौरागढ़ में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे, विभिन्न विभागों के जिला योजना के कार्यों का जायजा भी लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए घमासान मचा हुआ है। प्रत्याशी पद पाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल की बेटी भी ब्लॉक प्रमुख के लिए दावेदारी कर रही है। हरिद्वार के मायादेवी मंदिर से छड़ी यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेगी। साधु संतों ने विधि विधान से पूजा कर यात्रा को आगे के लिए रवाना किया। रुद्रप्रयाग में एक दिवसीय दौरे पर रहे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैंट में सेना के जवानों के साथ मुलाकात की, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य के साथ जायजा लिया। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अब स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स का अलग कैडर बनाने का फैसला लिया है। रानीखेत विधानसभा को बड़ी उपलब्धि, 5 साल से बंद पड़े चौनलिया के राजकीय पॉलिटेक्निक का विधायक ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 5-6-7 अक्टूबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट। काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 सौगातें दी, 9 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मंत्री अजय भट्ट, प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद। रुद्रप्रयाग पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदार के दर्शन। दर्शन के लिए आए तीर्थ यात्रियों से भी मुलाकात की। धाम की व्यवस्थाओं और उसमें सुधार को लेकर राज्यपाल को दी गई जानकारी। पंचायत चुनाव के बाद से कांग्रेस को बड़ा झटका। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटा बेटी दोनों बीजेपी में शामिल। कांग्रेस में नहीं थम रहा अंदरूनी घमासान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी पर खड़े किए हैं सवाल। प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर कसा है तंज। कांग्रेस की स्थिति को लेकर प्रभारी पर उठाए सवाल। टिहरी में कई महीनों के बाद भी नहीं पूरी हुई केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की घोषणा। टीडीएचसी के अधिशासी निदेशक ने दिया जल्द पूरा कराने का आश्वासन। देहरादून में अंकिता हत्याकांड पर पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई का बयान, कहा पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषियों को सख्त सजा मिले। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के लिए महिला नीति बनाने की कवायद तेज हो गई। महिला आयोग ने ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा। कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाए जाएंगे। बागेश्वर में पुलिस प्रशासन ने होटल और होम स्टे में चलाया है चेकिंग अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल होम स्टे पर ₹10,000 का चालान कटा। सीसीटीवी कैमरे लगाने, फायर उपकरण दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं एसडीएम। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी पर पुलिस ने ₹25,000 का इनाम घोषित किया है। दूसरे की जमीन बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने के साथ ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर भी कर चुके हैं ठगी। चंदौली के थानापुर क्षेत्र में लूट की वारदात, रिटायर्ड फौजी से लूटे पेंशन के पैसे, पुलिस की कई टीमें कर रही है छानबीन। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में मारा गया बच्चे का किडनैपर, फिरौती में 29 लाख असला बाइक बरामद, 11 साल के बच्चे का किया था अपहरण। फरुखाबाद में पंजाब के दो अंतर्राज्यीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी, अवैध शराब बरामद, 24 लाख रुपए के साथ तस्कर पकड़े गए। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर कार्रवाई की है, 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। शहर में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, जिंदा मिली मृत बताई गई महिला, किराए के मकान में 6 महीने से छिपकर रह रही। गरबा में मुस्लिम युवकों की पिटाई, गरबा में पहचान छिपाकर पहुंचने का है आरोप, साधु संतों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। हापुड़ में झूले पर मौत का स्टंट वीडियो वायरल, रामलीला मैदान में चल रहे मेले का है ये वीडियो। हरिद्वार में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय, प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया जारी, बीजेपी ने बनाई समिति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।